हेलो गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ई लर्नर। गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आया हूं, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में और मैं इन एन आर्टशल आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और हम मिलकर सीखेंगे केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट, और इसमें हम सीखने वाले हैं एक अमेजिंग ट्रिक जिसका आई होप आपको इंतजार था। इस ट्रिक की मदद से हम क्वेश्चंस को, जो कि एक्चुअली एग्जाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। पिछले दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना कॉन्सेप्ट के ट्रिक समझना मतलब यू नो इट्स यूजलेस। ठीक है, तो पिछले दो वीडियोस देख के आइए और तैयार हो जाइए फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। हमारा ये अमेजिंग ट्रिक है क्या? सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, आप बिना कोई सवाल करे हुए आप डायरेक्टली चीजों को नोट करते जाइए पहले। ठीक है, तो आप नंबर्स लिखेंगे यहां से। सबसे पहले आप लिखेंगे 8, ठीक है, फिर लिखते जाइए सिंपली 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 8 से लेके 20 तक आपको नंबर्स लिख लेने हैं। ये नंबर्स क्या हैं, क्या मीन करते हैं, सब बताऊंगा आराम से। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने अब लिख दिया यहां पे हेडिंग क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 8 से लेकर 20 तक लिख देंगे। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, 14 को आपको ना हाईलाइट कर देना है और 14 के आगे लिख देना है आपको 3.0। ठीक है, 3.0 आपको ध्यान में रखना है, ये आप लिखोगे। मैं बता रहा हूं ये क्या है। जैसे ही आपने 3.0 लिखा, अब अगर आप ऊपर भी जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, दोनों ही केस में यू हैव टू डिक्रीज बाय 0.5। आपको 0.5 हर जगह कम करते जाना है, यानी बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे इसके लिए, क्या होगा इसके लिए, हो जाएगा 2.5, कम कर रहे हो राइट, यहां पे हो जाएगा 2.0, यहां पे हो जाएगा 1.5, 1.0, 0.5 और फाइनली 0.0, इसीलिए मैंने इसको भी हाईलाइट किया। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी आप कम करते जाओगे। तो बेसिकली यहां पे 14 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए हमें क्या करना है, डिक्रीज करते जाना है 0.5 से। तो हमें मिलता है कि 8 और 20 जो है इसमें 0 आता है। ये जो नंबर्स में लिख रहा हूं ये है क्या? बेसिकली ये जो नंबर्स में लिख रहा हूं ये डिनोट करता है बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर को डिनोट करता है। अब ये काम कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिया 8 से लेके 20 तक, और उसके बाद 14 के लिए मैंने लिखा 3, और उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों ही जगह मैंने 0.5 से मैंने बढ़ाया और मैंने घटाया, इससे मुझे क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। लेकिन ये काम कैसे आएगा, काम कैसे आएगा मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि लो आपके पास एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा कि N2 है मेरे पास N2 प्लस है, मेरे पास N2 माइनस है, सबका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओ कितना होगा। किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से उसके ऑर्डर्स को दिखाओ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा देखो कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके किसके केस में, N2 के केस में, N2 प्लस के केस में और N2 माइनस के केस में। N2 नाइट्रोजन में 7, इसमें भी 7, 7, 7, 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। N2 प्लस में क्या करोगे, आपको N2 का पता है ना, N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करूंगा और कुछ नहीं, स्पीशीज कोई भी हो। N2 माइनस अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आपका टेबल काम आएगा। मैंने बोला था 14 के लिए वैल्यू होता है 3.0, उसके ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा किसके लिए, 15 के लिए और 13 के लिए। लीजिए, तो आपके पास आंसर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना, 3.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5।
क्या आप इस तरीके से बता सकते हो? अब एग्जैक्टली इस तरीके से आप बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप अब आपको पता है, आप चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के भी आ गए, O2 2 minus O2 minus O2 plus, कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं O2 के केस में कितने होंगे, 8 plus 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कुछ नहीं, यहां पे 2 minus है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो 16 plus 2 is equal to 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां आपको दिख रहा है ये 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां आपको दिख रहा है ये 16 minus 1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आपको पता है कि 14 के लिए होता है 3.0, अगर आप 15 के लिए आएंगे तो 2.5, 16 के लिए क्या हो जाएगा 2.0, 17 के लिए 1.5, और 18 के लिए उस तरीके से क्या हो जाएगा 1.0। आपके पास सारे आंसर्स हाथ के सामने रेडी है, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर्स आ गए। डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब आपको हर बार डायग्राम बना के माइनस करके इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्टली देख के ही बता सकते हो, और इस पे क्वेश्चंस एक्चुअली आ चुके हैं गेट में, ठीक है। तो 16 वाले का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट देखो 2.0 O2 2 minus, यानी 18 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा 1.0 O2 minus, 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1.5 O2 plus, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन दिस इज सॉरी ठीक है ठीक है, तो दिस शुड बी 2.5 राइट। तो अब आपको ऑर्डर अगर निकालने बोले कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से अगर आपको अरेंज करने बोले तो आप क्या कर दोगे, हाईएस्ट किसका है O2 प्लस का, तो O2 प्लस कर दोगे, O2 प्लस इज ग्रेटर देन। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, यही सेम ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिन जिन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके लिए भी वैलिड होगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी यही होगा, ठीक है, और यही ऑर्डर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी होगा, ठीक है। तो O2 प्लस, उसके बाद क्या करोगे O2, उसके बाद क्या करोगे O2 माइनस, उसके बाद क्या करोगे O2 2 माइनस, इसी तरीके से ऑर्डर बन जाएगा। यही चीज आपको बॉन्ड लेंथ का पूछेगा, तो आप इसको उल्टा कर दोगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कुछ क्वेश्चन रैंडम प्रैक्टिस क्वेश्चन है और कुछ गेट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से ऑब्वियसली आपको पॉज करना है और खुद ट्राई करना है, फिर आप देखोगे सोल्यूशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है। देखिए सीधा सा बात है, अगर आपको हीलियम दिया है, यहाँ आपको वो ट्रिक लगाना नहीं है, आपको डायरेक्टली देखना है कि ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे ये हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, सब में टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लीज आप फाइंड करके रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन Hg2+ में कितना होगा, हीलियम में टोटल कितना होता है 2 plus 2 4, 4 minus 1 is equal to 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोजन 1 plus 1, 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। हाइड्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, क्योंकि एक हटा दिया मैंने, और इसमें क्या हो गया, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, जहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको, यहां पे आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, मैं वही बोलूंगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से, σ1s, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे कॉन्सेप्चुअल वाले तो ही आप समझ पाओगे, ठीक है, और ये σ*1s, ठीक है। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो आपके पास कॉन्फिगरेशंस अगर आपको लिखना है, ठीक है, पर्टिकुलरली मैं डायरेक्टली इसका कॉन्फिगरेशन लिखना चाहता हूं सबके लिए, इसके लिए लिखना चाहता हूं, 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 ठीक है। σ1s σ*1s 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 σ*1s, ठीक है, बस इनके लिए मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको भरूं तो सबसे पहले ये भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये रह गया, ठीक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, पैरामैग्नेटिक। यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये भरेगा, यानी ये क्या है, यहां अनपेयर्ड एक भी नहीं है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, सिर्फ एक है, यानी अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये भरेगा और ये भरेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। यानी डायमैग्नेटिक आपको कौन सा मिला, सेकेंड वाला, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड देयरफॉर H2 हियर इज डायमैग्नेटिक, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बहुत सिंपल है ना, आपको बस मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस तो अब ट्रिक से करेंगे, यस लगाइए ट्रिक फटाफट। O2
आपको फटाफट पता होना चाहिए, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 टू माइनस। मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा दिया था राइट, तो फिर से एक बार कर लेते हैं। O2 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे नीचे जा रहे हैं हम लोग 15 में जा रहे हैं, तो 2.5, 16 पे 2.0, 17 पे 1.5 और 18 पे 1.0। आपको वैल्यूज पता चल गया, ये है बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यूज, तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दो। पहले सबसे पहले लिखो O2 टू माइनस, फिर कौन आएगा O2 माइनस, उसके बाद कौन आएगा O2 आएगा, उसके बाद आएगा O2 प्लस। आया ऐसा कुछ है क्या? एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत आसान है राइट, हमने ऑलरेडी ये कर लिया था जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर O2, B2, N2 एंड C2। देखिए घबराइए मत, आपको एटॉमिक नंबर पता है, दोनों को बस ऐड कर दीजिए, आपको ये भी पता चल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। चुपचाप लिखिए स्पीशीज को पहले, O2, B2, N2, C2। ठीक है, ऑक्सीजन अगर है तो उसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 16 इलेक्ट्रॉन्स। B2 अगर है बोरॉन, कितना बोरॉन, 5, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन। N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहां पे देखना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर में अगर यहां पे बोलू 14 के लिए मुझे पता है 3.0, ठीक है 16 के लिए एक कम होगा राइट, 14, 15, 16, तो 16 के लिए कितना हो जाएगा 2.0, 14 से ये कितना में आता है, एक कम होगा 12, ये कर लो पहले 12, ये भी 2.0 और यहां पे कितना हो जाएगा ये 1.0। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, कमा देना है तो B2, ठीक है, तो यानी जिसका लीस्ट है यहां पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उल्टा होता है, उल्टा चलता है, देयरफॉर आप क्या करोगे, B2 सबसे ज्यादा, उसके बाद, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा कैसे मैं बताता हूं अभी, क्योंकि ये जो आपका ऑर्डर था ना ऑलरेडी जो आया था ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए था, आप जस्ट उसको रिवर्स कर दोगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछा है, आपको हमेशा ये इन चीजों में चौकन्ना रहना है, आप ऐसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके बैठ गए और वहां पे आपने मार कर दिया तो वो फंसाने के लिए वो ऑप्शन देगा। ठीक है, तो उसमें आपको उस ट्रैप में पड़ना नहीं है, तो सिंपली आपका हाईएस्ट होगा बी टू, लोएस्ट होगा एन टू, ये आपको ढूंढना है कहां पे है, बी टू हाईएस्ट, एन टू लोएस्ट, एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी टू सी टू O2 N2, मैंने यहाँ पे चेंज किया है क्योंकि ये जो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप डिटरमाइन कर लोगे, बी इज योर करेक्ट आंसर। आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, आखिरी सवाल क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इन BE2 मॉलिक्यूल कैन एक्सपेक्टेड टू बी। अब आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा आपको करना है तो करो, मैं सिंपली इसको ट्रिक से सॉल्व करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूं राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, BE2 बेरिलियम में कितने होते हैं, चार होते हैं, 4 + 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहां पे 8 और 8 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए आपको पता है, मैंने बताया था शुरू ही हम लोग 8 से किए थे राइट, शुरू हमने 8 से किया था, एकदम स्टार्टिंग में देखो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, 8 और 20 के लिए 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, 8 जो है ये बी टू के लिए होता है, ये होता है एन टू के लिए और ये वाला होता है आपके लिए नियॉन टू के लिए, और इसीलिए नियॉन टू कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बी टू भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो कैन नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 8, यानी इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0 एंड देयरफॉर 0 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं गेट में, बहुत आसान लग रहे हैं ना अभी, तो यही है, अगर आप ट्रिक से सॉल्व करोगे तो चीजें बहुत कम टाइम में होंगी। ठीक है, तो आई होप थिंग्स आर नाउ क्लियर टू यू, प्रैक्टिस अब अपना करते रहना और कोर्स में हम मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।